नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं हूं भावना आपके साथ। बुलेटिन से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में सड़कों पर गोलीबारी से मची दहशत, एक व्यक्ति की मौत, पांच घायल। व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर हुआ हादसा। आर्थिक सुस्ती के बीच जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, ऑटो सेक्टर के साथ होटल और इंडस्ट्री को राहत, मिलने की बड़ी उम्मीद। भारी बारिश के पूर्वानुमान के बीच थमी मुंबई की रफ्तार, आज बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने प्रेस वार्ता कर नए ट्रैफिक कानून पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने नए मोटर व्हीकल एक्ट को जनता के लिए दुखदायी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक तरफ आर्थिक मंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। खबर अहमदाबाद से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने रूपाणी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस मौके पर मनीष दोषी ने रिपीट इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने आर्थिक मंदी और घिरती जीडीपी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनीष दोषी ने कहा कि रूपाणी सरकार में आर्थिक मंदी को दूर करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बेगूसराय क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान डीएम ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन घुस गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में पार्टी ऑफिस से जुलूस लेकर दर्जनों कार्यकर्ता डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ता डीएम ऑफिस में प्रवेश करना चाह रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके चलते पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेस कार्यकर्ता बेगूसराय को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की तथा सरकार को चेतावनी दी कि अगर बेगूसराय जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो बेगूसराय के चौक चौराहे को बंद कर दिया जाएगा। बिहार बेगूसराय जिला को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी मांग को रख रहा है, और अगर ये रफ्तार चालू रहेगा, बेगूसराय के साथ अगर सौतेला व्यवहार किया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी चौक चौराहा को जाम करेगा। आज हम लोग आज डीएम साहब से मिलके उनको अपना मांग पत्र दे रहे हैं कि आप बिहार सरकार को दें, फिर जैसा होगा। बेगूसराय में दो पक्षों के बीच में मामूली बात को लेकर विवाद के चलते एक की मौत हो गई। दरअसल दुकानदारों के बीच अपनी दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसी दौरान एक पक्ष के लोगों ने समीर सिंह को धक्का दिया, जिससे वह गिर गया। बताया जा रहा है कि घटना में घायल हुए युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मृतक के पत्नी के बयान के आधार पर तीन लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना हुआ सर, पापा मेरे घर से आ रहे थे, उसी समय राजीव कुमार इनको बोला खोप हटाओ समीर सिंह, बस ये बोले कि हम खोप नहीं हटाएंगे, तो उसी समय मतलब कालर उड़ा सटका पकड़ने लगा, और उस समय इनको ऊपर बोला कि मारने लगा, उसके बाद दो चार दस चार घिर दिया, उसके बाद ही अपने बेचारा जैसे ऐसे करने लगे, हम लोग डॉक्टर के यहाँ लेकर आए तो ऐसे ऐसे हो गया, मर गए। बिहार के पटना शहर में सीटी बजाओ प्रबंधन जगाओ का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों की ओर से सीटी बजाओ प्रबंधन जगाओ कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम पटना के आर ब्लॉक स्थित कौटिल्य बिहार होटल में रखा गया, जहां प्रबंधन व्यवस्थाओं से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर गोष्ठी की गयी। बेगूसराय में नए मोटर अधिनियम को लेकर विरोध जारी है, जहां विरोध में C2 संस्था के बैनर तले लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला तथा नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। बाद में लोगों का ये हुजूम कैंटीन चौक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का अर्थी दहन किया। कार्यकर्ताओं ने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में नादिरशाही व्यवस्था लागू की गई है, गरीबों का दोहन और शोषण हो रहा है, मोटर अधिनियम के नाम पर पदाधिकारियों की चांदी है तथा अवैध वसूली का धंधा किया जा रहा है। सीधे सीधे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जब एक बार वन टाइम टैक्स चुकाया जाता है, तो फिर टोल टैक्स अन्य माध्यमों से सरकार के द्वारा अवैध वसूली क्यों की जाती है। देख रहे हैं सड़कों पर हेलमेट के नाम पर और 25 वर्ष से नीचे के
युवकों को मोटरसाइकिल चलाने में उसके गार्जियन पर 25,000 का जुर्माना और 3 साल का मुकदमा। ये सब राजशाही नादिरशाही कानून है। एक बार जब वन टाइम इस तरह का लूट और ऊपर से टोल टैक्स, वन टाइम टैक्स लेने के बाद भी टोल टैक्स और टोल टैक्स के बाद इस तरह की लूट, इससे तो अच्छा होता कि चौक चौक पर वो हेलमेट खरीद करके लोगों को एक एक हेलमेट का दाम ले करके दे दिया जाता। बिहार के पटना क्षेत्र में एक युवक की हत्या को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अपराधी पूर्व सांसद की हत्या के इरादे से वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, तभी पुलिस सूचना के चलते छापेमारी कर एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक के साथ पूछताछ कर रही है। आवश्यक पुलिसकर्मी जो भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने घटना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोग बाहर तक आ चुके थे, और जब तक सूचना मिली तो हमारे जो थाना का स्टाफ था और जो DSP लोग थे वो भी पहुंच चुके थे, उन्होंने जाके स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया। पटना में देखा गया अधिकतर रात में चेकपोस्ट खाली रहते, उसमें पुलिसकर्मी नहीं रहते। ऐसा कोई भी मामला अगर दृष्टि में आएगा तो जो अपनी ड्यूटी पे नहीं होंगे उन खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। पटना शहर में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नारायण सिंह एक बार फिर नामांकन भरने पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह ने एक बार फिर अगले प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया है, जिसके लिए नारायण सिंह ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि किसी दूसरे के नामांकन दाखिल नहीं करने के कारण वशिष्ठ नारायण सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। JDU सुप्रीमो नीतीश कुमार के करीबी माने जा रहे नारायण सिंह लगातार तीसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बेगूसराय में एक बार फिर गैंग वॉर के चलते लोग काफी दहशत में हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने शाम ढलते ही एक ठेकेदार को गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि मृतक नवीन सिंह पर भी हत्या, रंगदारी, पुलिस टीम पर हमला सहित दर्जनों मामले दर्ज हैं, और कुछ दिन पूर्व ही वह जेल से बाहर निकले थे। फिलहाल इस घटना को बालू कारोबार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। भोज खा के आ रहा था, गाड़ी में ग्रामीण ने 4-5 आदमी गाड़ी रोक करके गाड़ी से खींच के मारा। कौन गाड़ी सर? यही गाड़ी लगा हुआ है, वो भी चावल स्पॉट अभी गाड़ी लगा हुआ। 5 आदमी था, शक नहीं मतलब साढ़े 7-8 के लग अंदर में घटना हुआ है। यहाँ भोज खा करके बहुत लोग आए गए, बहुत लोग देखे, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई चोर चुप चोरी हुआ है। अब देखे हैं तो बाजार से बहुत लोग देखे हैं, तो सब के सवाल क्या कौन लोग थे? वो लोग जानकारी है, मुन्ना सिंह है, चुन्ना सिंह है। यहाँ मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहनपुर गांव है, वहाँ के एक निवासी हैं नवीन सिंह, पिता राम इकबाल सिंह। आज शाम को लगभग 8 बजे के करीब वो भोज खा के आ रहे थे, 8:30 बजे के करीब अपने बोलेरो गाड़ी से थे, उसी बीच अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने युवा मोर्चा की तरफ से केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका गया। विकासशील छात्र मोर्चा द्वारा LLM की छात्राओं के साथ दुष्कर्म के आरोपी BJP के बड़े नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद एवं उत्तर भारतीय छात्र युवाओं की योग्यता पर बेतुका बयान देने वाले मोदी कैबिनेट के मंत्री संतोष गंगवार का पुतला दहन किया गया, जहां मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार दुष्कर्म के आरोपी और छात्रों के लिए बेतुका बयान देने के मामले में उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बरेली के फतेहगंज क्षेत्र में जमीनी विवाद का निस्तारण किया गया। फतेहगंज इलाके में दो समुदाय एक जमीन पर दीवार निर्माण को लेकर आपस में झगड़ रहे थे, जिस पर प्रशासन ने जांच करते हुए विवाद को खत्म किया। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन दरअसल ग्राम समाज की है, जहां अब केवल चबूतरा ही बनाया जाएगा। बता दें कि जमीन विवाद को खत्म कराने के लिए SSP और SDM समेत भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। हाथरस थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक सिरविहीन शव बरामद किया गया है। घटना जंक्शन परिसर के पीछे मथुरा कासगंज रेलवे ट्रैक की है, जहां एक महिला का सर विहीन धड़ बरामद किया गया है। वहीं लाश के कपड़े दूर झाड़ियों में बरामद हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू कर दी है। हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन पर एक बॉडी मिली है महिला की,
इसका संघटना हुआ प्रथम दृष्टया तो सुसाइड का केस लग रहा है या किसी ने हत्या करके वहाँ पर डाला होगा। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, शिनाख्त नहीं हो पाई है और शिनाख्त होने के बाद इसमें अगले मैदानी कदम। उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रकरण के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमीरपुर दौरे पर पहुंचे। हमीरपुर पहुंचने पर योगी आदित्यनाथ का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री यहां चुनावी प्रकरण के चलते पहुंचे, जहां वो जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करते नजर आए। अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय में 24वें दीक्षांत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल आनंद बेन ने शिरकत की। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और पद्मश्री अरुणामी सिन्हा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह के दौरान आनंदी बेन ने समाज में फैली बीमारियों के पीछे छिपे कारणों पर बात की। असम के नलबाड़ी क्षेत्र में महात्मा गांधी जयंती के मौके पर पूर्व उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक मंत्रालय अधीन पूर्व मांडलिक सांस्कृतिक केंद्र द्वारा नलबाड़ी नाट्य मंदिर पर शास्त्रीय नृत्य गीत उत्सव का आयोजन किया गया। वहीं समिति के लोगों ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रेस मीटिंग का आयोजन किया। भरतपुर के रूपवास में पुरातत्व विभाग की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें स्थानों के सौंदर्यकरण और विकास को लेकर चर्चा की गई। भरतपुर के रूपवास में तहसील द्वारा अलका श्रीवास्तव की मौजूदगी में पुरातत्व विभाग भरतपुर के वरिष्ठ संरक्षक आर के मीणा ने नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने शाही तालाब की सफाई और सौंदर्यकरण के लिए मृगया महल को विकसित करने पर चर्चा की गई। पुरातत्व विभाग की तरफ से सहयोग पर भरोसा दिलाते हुए शाही तालाब की सफाई व सौंदर्यकरण के कार्य में पूर्ण सहयोग द्वारा करते हुए कार्य को गति देने की बात की और इसे पर्यटन हेतु विकसित करवाने के लिए एक विभागीय फाइल बनाकर पुरातत्व विभाग जयपुर भेजने का भरोसा दिलाया गया। इस मौके पर तमाम आला अधिकारियों के साथ पुरातत्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहें नवतेज टीवी।